फोर्सेस, पुलिस और खासतौर पर मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो इस मुश्किल घड़ी में हम सबके साथ मिलकर खड़ी है। ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनको प्रेज करना चाहिए। इनकी इनकी अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, इनको इनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर्स, जो हमारे लोग जो खिदमत कर रहे हैं गरीबों की, उनको भी अल्लाह ताला जजा दे और उनके लिए भी हमने दुआएं करनी है। सेहत में काम करने वाले तमाम लोगों के हौसले और जुर्रत को यूनस खान का और इस कौम का सलाम। पाकिस्तान को तुम पे फख्र है। बी सेफ एंड स्टे एट होम प्लीज। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सुबह सेहत से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों को मेरा और इस कौम का सलाम। पाकिस्तान सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि आज जमात नमाज के इस्तेमाल महदूद करने का फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छी बात है कि 90% अमल दरामद हुआ। बेहतर होता ये ऐलान वजीर आजम खुद करते। यास्मीन राशिद कहती हैं कि किट्स की कमी से मसाइल का सामना था। दो दिन में NDMA से किट्स मिली तो बड़ी तादाद में लोगों के टेस्ट कर सकेंगे। अजमल वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में ज़्यादा आगाही रही है। लियाकत शाहवानी कहते हैं कि 400 अफराद तफ्तान में मौजूद हैं, उनमें 300 बलूचिस्तान के हैं, उनके टेस्ट करके क्वेटा लाएंगे। फैसला और तकलीफ दे फैसला भी था ये, लेकिन उसके बावजूद हमने किया और 90% से ज्यादा इस पर अमल हुआ है। कुछ जगहों पे जरूर इस तरह के सिलसिले हुए हैं जिन पर हमने अभी एक्शन लिया है। ज्यादा बेहतर होता कि अगर ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते। ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। मैंने जो किट्स मंगवाई हैं चाइना से, दिल बी हेयर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, उसका ये फायदा हो जाएगा कि सब सूबों के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ किट्स होंगी। अब हमारे पास जिन जिन के पास, हमारे पास देखिए फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े कोहॉर्ट्स हैं जिनको हमने टेस्ट करना है। हम जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हमारे सूबे के लोगों में अवेयरनेस जो हम देख रहे हैं वो आ चुकी है। अच्छा। और काफ़ी पॉजिटिव आवाम की तरफ से भी वो सामने आ रहे हैं। 46,000 लोग अब्रॉड से आए हैं। अच्छा। अब उसका हमारे वॉर फुटिंग पे हमें तकरीबन इस वक्त 40% से अबव हमने उसको ट्रेस किया। आज 400 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा। जिनमें से 300 बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, 100 जो है वो मुख्तलिफ सूबों के, बाकी सूबों के जो लोग तशरीफ ला रहे हैं उन्हें उनके मुतल्लिका सूबों के क्वारंटाइन सेंटर हम ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दे के उनको वहां पर ट्रांसपोर्ट करके शिफ्ट कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको तफ्तान बॉर्डर पे उन सब के टेस्ट लिए जा रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको क्वेटा के हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और जो नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें उनके घर जाने की परमिशन ग्रांट की जा रही है। डेली की बुनियाद पे एवरेज जो है 40 से 50 लोग आ रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वैसे तो बॉर्डर बंद है लेकिन तफ्तान के एंट्री पॉइंट से जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं उनको परमिशन ग्रांट की जा चुकी है, वो आ रहे हैं। लाहौर के मेयो अस्पताल में बुजुर्ग की मौत की तहकीकात के लिए 2 कमेटियां बना दी हैं, हफ्ते के रिपोर्ट सामने आएगी। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं कि जैसे ही खबर मिली मेयो पहुंच गई थी, डॉक्टर्स और स्टाफ से पूछगछ की है। आपकी खबर हुई तो मैं उसी वक्त में अस्पताल चली गई थी। तो वो कहते हैं ना जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो मैंने खुद जाके उन डॉक्टर्स को भी बुला के और जो स्टाफ था उनसे बात की। जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है वो लगा है कि डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। चीफ मिनिस्टर आस्क्ड मी, एक पूरी कमेटी बनाई गई और नॉट वन, 2 कमेटियां। पहले 2 प्रोफेसर को कहा और फिर प्रोफेसर महमूद शौकत, हु विल इन्वेस्टिगेट एवरी डेथ विच अकर्स फॉर कोरोना, उनकी फिर कमेटी गई और कल इंशाल्लाह हम कंप्लीट रिपोर्ट भी पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करेंगे लेकिन वजीर आजम से ताबुन नहीं करेंगे। जिस मीटिंग में इमरान खान होंगे वहां नहीं बैठेंगे। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि ऐसा करना कौमी जुर्म होगा। Unfortunately, वजीर आजम साहब को वो जो मिसट्रस्ट का एक अलमिया बना पड़ा है, मेरी जमात को कम अज कम ये कर देना चाहिए कि हम वजीर आजम साहब के साथ पर्सनली इमरान खान के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। जो जिस मीटिंग में कहेंगे हम नहीं आएंगे, अगर किसी मीटिंग में वो आएंगे उसमें भी हम नहीं जाएंगे। इसलिए कि 1.5 साल से जो हद तक अमेज रवैया वजीर आजम ने अख्तियार किया हुआ है और जो कल भी उन्होंने अख्तियार किया,
وہ اپنی اس عادت سے اس رویے سے باز نہیں آ سکتے تو بار بار انسلٹ نہیں کرانی چاہیے۔ وزیراعظم صاحب اگر آپ کو بنی گالا چائے پہ بلائیں یا اگر وزیراعظم صاحب آپ کو پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں یا کسی میٹنگ میں بلائیں بالکل نہ آئیں، لیکن اگر وزیراعظم صاحب آپ کو پاکستانیوں کے کسی مسئلے کو جو سب سے بڑا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس میں بلاتے ہیں کسی چیز میں اور وہاں آپ نہیں آتے، یہ قومی جرم ہوگا۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احکامات پر عمل درآمد، سندھ میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات نہیں ہوئے، لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کی۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نمازیوں نے محدود تعداد میں شرکت کی۔ نمازیوں کو ہدایت کریں کہ یہ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ سندھ کے شہریوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، کرونا سے بچاؤ کے احکامات پر عمل درآمد، مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوئے، لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کی۔ کنز القومی مولن نعمی۔ کراچی میمن مسجد کے باہر پولیس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کیے کہ تمام افراد اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ نمازیوں کو ہدایت کریں کہ یہ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں، اور جو مسجد انتظامیہ کے چار پانچ بندے ہیں وہ نماز مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں صرف مساجد کے عملے نہیں با جماعت نماز ادا کی، سانگھڑ میں پولیس کی نفری تعینات رہی، لاڑکانہ میں بھی صرف چار سے پانچ افراد نے مسجد میں نماز ادا کی۔ نواب شاہ میں احکامات کی خلاف ورزی پر مسجد کے پیش امام کو حراست میں لیا گیا، مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں لوگوں کی محدود تعداد میں شرکت، نمازی فاصلے پر جماعت میں کھڑے ہوئے، اردو خطبہ صرف کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر پر دیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس نے اجتماعات محدود کرانے اور لوگوں کو گھروں پر نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔